शहर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में 3 रोज की तौसी। मॉडल टाउन, डीएचए, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरून शहर लॉकडाउन रहेगा। बाकी तमाम इलाकों में आज रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से तौसीई नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत, खेल की सरगर्मियों पर पाबंदी। कारोबारी मराकज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। ग्रॉसरी और करियाना स्टोर्स हफ्ता भर खुले रहेंगे। बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA का फिजाई ऑपरेशन इजाजतनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का इतलाक रात 12 बजे से होगा। तर्जुमान PIA कहते हैं, जिन मुसाफिरों के पास PIA बुकिंग है वो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। कोरोना के साथ पोलियो का खतरा भी बढ़ गया। शहर के सीवरेज में एक मरतबा फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। गुलशन रावी और आउटफॉर रोड डिस्पोजल स्टेशन के सीवरेज नमूनों में वायरस की मौजूदगी पाई गई। PTI हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वजीर आला पंजाब का पंजाब असेंबली इजलास से खिताब, बोले, तामीराती शोबे की बहाली के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया गया। डेवलपमेंट बजट में 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। एजुकेशन के बजट में 18% का इजाफा किया है। हर जिले में यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे। वजीर आला ने कहा, सूबे में 12 नए बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। 12,000 डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि 10,000 कांस्टेबल्स की मंजूरी और 45 नए थाने भी बनाए जा रहे हैं। एक साल हो गया, कोई करप्शन साबित ना हो सकी। हुकूमत का एहतसाब तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब अगर ये लोग घर ना गए तो अवाम इन्हें घर भेजेंगे। हमजा शहबाज शरीफ की CD42 से खुसूसी गुफ्तगू, बोले, मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर दिया। हुक्मरानों की कहीं भी कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम का तबादला कर दिया गया। DC दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया, जबकि सेक्रेटरी तजारत यूसुफ नसीम खोखर, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद साले अहमद फारूकी, सेक्रेटरी तजारत OSD उमर रसूल, सेक्रेटरी पावर डिवीजन तायुनात, सेक्रेटरी पावर इरफान अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तकरीरी भी कर दी। इनाम फनी को एडिशनल IG, जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तायुनात कर दिया गया। पेट्रोल नरखों में होशुरबा इजाफे से तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग का अमल मुतासर। 36 सरकारी ठेकेदारों की जानेब से अदम दिलचस्पी पर 17 करोड़ से जायद की स्कीमों के लिए टेंडरिंग मंसूख करने का फैसला। टेंडर मंसूख से NA 130, NA 135 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में तरक्याती मंसूबे मुतासर। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड की कमी, तारीखी भाटी गेट की बहाली का ख्वाब ही रहेगा। वॉल सिटी अथॉरिटी का 90 करोड़ लागत का मंसूबा ड्रॉप करने या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने पर गौर। प्रोजेक्ट के तहत भाटी और एतराफ का इलाका तारीखी तौर पर बहाल किया जाना था। जिले इंतजामिया को कब्जा माफिया के खिलाफ बा इख्तियार बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और ACs को सेक्शन 14 के तहत क्लास 1 मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज। जिले अफसर इंस्पेक्शन 33 के तहत मुलविस अफराद को 2 लाख जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा भी सुनाएंगे। पंजाब हुकूमत का जहीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एहसन इकदाम। सालाना वजायफ में 3 अरब 59 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। नए माली साल में तलबा तालिबात को 13 अरब 85 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आवाम पर एक बार फिर LPG बम गिरा दिया गया। प्रति किलोग्राम कीमत में 4 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 47 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए बढ़ गया। LPG गैस 114 रुपए प्रति किलो में दस्तियाब होगी। ओगरा ने माह जुलाई के लिए नई कीमतें जारी कर दी। बजट मंजूरी पर हुकूमती अमलदारी चैलेंज। महंगे पेट्रोल के बाद महंगाई का एक और झटका।
आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने सीडी 70 की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा कर दिया है। होंडा 125 3000, सीजी 125 10000 और होंडा सीजी 150 की कीमत 20000 रुपए बढ़ा दी गई। जिले हुकाम 70 रुपए प्रति किलो चीनी फराहम करने में नाकाम। जुर्मानों और मुकदमात के खौफ से डीलर्स ने खरीदारी, दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत का सामना, सालाना क्लोजिंग के बाइस आज यूटिलिटी स्टोर्स पर पब्लिक डीलिंग बंद। अमला दस्तयाब स्टॉक्स की चेकिंग और मालियाती रिकॉर्ड मुरतब करने में मशरूफ। कोरोना से बेहाल मुआशी सूरत हाल, गैस कंपनी ने 500 डेली वेजेस को नौकरियों से फारिग कर दिया। घर भेजे जाने वाले मुलाजमीन बेरोजगारी की अफियत से परेशान, आने वाले कल की फिक्र में मुबतला। कंपनी की जानिब से नए माली साल पर लेबर एक्ट के तहत बरतरफ मुलाजमीन को दोबारा से बहाल करने की यकीन दहानी। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ एफका का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन के महंगाई लहर के खिलाफ शदीद नारे, हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की करारदाद जमा। असम्बली रुकन मखदूम उस्मान का पुराने निर्ख बहाल करने का मुतालबा। महंगाई की ताज़ा लहर, तनख्वाहें न बढ़ाने और छांटे के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। IWO ऑफिस मेयो गार्डन में मुजाहिरा, मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मांगे पूरी करने का मुतालबा। शहर में कोरोना केसेज में कमी, 24 घंटों के दौरान 301 नए मरीज, मजमू तादाद 39,047 हो गई। 12 अमवात की तस्दीक, अस्पतालों में भी मरीज कम होना शुरू हो गए। 446 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल, 177 ICU और 97 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। सुबह भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 723 नए मरीज सामने आए और 46 अमवात हुई। जबकि वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर लाहौर पुलिस की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने की शिकायत। CCPO का सिटी 42 की खबर पर नोटिस, अफसरान और मातहत अफसरान को मास्क पहनने का पाबंद करार दे दिया। कोरोना वायरस, बेशतर अस्पतालों के HDU ICU में मरीजों के लिए जगह ना बची। जनरल अस्पताल के HDU और ICU में 100% बिस्तरों पर मरीज जेरे इलाज हैं। जिना अस्पताल ICU में 100%, सर्विसेज अस्पताल में 75% बिस्तरों पर मरीज मौजूद हैं। महकमा सेहत का टेस्टिंग को मजीद महदूद करने का फैसला। सिम्टोमेटिक मरीज 10 दिन आइसोलेशन के बाद आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। खांसी, नजला, जुकाम और दीगर इलामात खत्म हुए 3 दिन गुजर जाएं तो RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी, जाली दूध माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। मोबाइल फूड लैब स्क्वाड की बेदिया रोड पर 6 दुकानों की चेकिंग, 1060 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया, 2 दुकानें सील कर दी गई। कातिल धाती डोर से रवासाज 6 हलाकतें, पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान। IG पंजाब का पतंगबाजों की तलाश के लिए ड्रोन ऑपरेशन का फैसला। लाहौर समेत दीगर शहरों में फिजाई कैमरों की मदद से कानून शिकनी में मुलविस अफराद की तलाश शुरू करने का हुक्म। पुलिस ने आंखें मेच ली, हुक्काम ने गफलत की चादर ओढ़ ली। उबाश बदकार और बेहमियत आजाद हो गए। खातीन के लिए घर से बाहर निकलना भी दुश्वार। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार उबाशों की सरे बाजार नाजेबा हरकत, कैमरे की आंख में महफूज और पुलिस एक्शन की मुंतजर। मुस्तफा टाउन में जनरल स्टोर मालिक की दलेरी से डकैती वारदात नाकाम बना दी गई। डाकू से पिस्तौल छीनने वाला 55 साल इफ्तिखार गोली लगने से जख्मी हो गया, डाकू फरार होने में कामयाब। लाहौरी होशियार, मातहत अदालतों में जाली मचलकों की भरमार। जाली मचलकों पर 300 गाड़ियां सपोर्टदारी पर हवाले करने का इंकशाफ। SP कार लिफ्टिंग सेल ने घिनौने धंधे में मुलव्वित गिरोह के अराकीन की तफसीलात अदालती अफसरान को भिजवा दिए। सेशन जज के हुक्म पर माफी के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 21 जाली जमानती फौरी ब्लैकलिस्ट करार। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक दरख्वास्तों की सुनवाई, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सेक्रेटरी टू वजीर आजम के पेश न होने पर सख्त बरहम। एक रोज मोहलत की इस्तदा मुसरद,
वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया। रिमार्क्स ये कि सुना है वो बोलते हैं कि उनके मुंह से कानून निकलता है, चलो उनको सुन के देखते हैं। मजीद कहा, हुक्म अदौली कतअन बर्दाश्त नहीं, समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और किल्लत की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तशकील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत खुद इस पर कुछ कर लेती है तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फिर रुकावट बनने वाला ख्वास सेक्रेटरी हो या डीजी, कोई नहीं बचेगा। अदालत का अटॉर्नी जनरल से फौजदारी कमीशन बनाने से मुतल्लिक इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने चेयरपर्सन ओगरा पर आए जुर्माना 1,00,000 रुपए चंदे में तब्दील करके और बार अस्पताल में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज का एक्ट तब्दील ना करने का फैसला। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ पंजाब के गवर्नर पंजाब के साथ मुजाकरात कामयाब। वजीर हायर एजुकेशन ने माहिदे पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी असाजा को एक्ट तब्दील ना करने की यकीन दहानी करा दी। शाहपुर कांजरा मंडी में कुर्बानी के जानवर लाने का सिलसिला शुरू, जबकि हिफाजती इकदामात ना होने के बराबर। मास्क और सामाजिक फासले के SOPs नजरअंदाज। व्यापारी भी इंतजामात से गैर मुतमईन, कहते हैं अभी यहां पानी का भी इंतजाम नहीं है, तमाम इंतजामात खुद से कर रहे हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वजीर आला उस्मान गुजार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदगान को टीम वर्क के तौर पर अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने की हिदायत। इमरान खान और हवारियों ने कौम को सपने दिखाए और कंटेनर पर से झूठ बोला। बजट हुकूमती अहलकारों ने नहीं, IMF ने तैयार किया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक लीगी वजीर राना मशहूद ने कहा, हुक्मरानों के झूठ का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। हमारा आखिरी बजट 2000 अरब का था, ये 300 बिलियन तरक्याती कामों पर खर्च नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने हुकूमत माफिया से मिलकर अवाम को लूट रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब का कोरोना से मुतासिर सियासी सरगर्मियों की बहाली का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज रात लाहौर आमद का प्रोग्राम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सूबे में पार्टी को मुतहरिक करने से मुतालिक सूबाई क़यादत से मुशावरती इजलास की सदारत और वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को आगे, अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। बजट पास न होने देने का दावा करने वाली अपोजिशन जमातें अब कहाँ हैं? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बजट मंजूरी पर वजीर आजम और अराकीन कौमी असम्बली को मुबारकबाद। सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक से मुलाकात में कहा, अपोजिशन का एजेंडा एहतसाब रुकवाने के सिवा कुछ नहीं है। वजीर आला पंजाब से सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की सरबराही में सहाफियों के वक्त की मुलाकात। वजीर आला सरदार उस्मान गुजार ने सहाफियों के लिए जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब की लैब शुदा 50,00,000 की ग्रांट जारी करने के अहकाम भी दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर पाक पुर्तगाल एसोसिएशन महबूब अहमद की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही बोले, हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आवाज बुलंद की, अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। कोरोना केसेस की ज्यादती या कमी पर इलाकों को लॉकडाउन करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को देने का फैसला। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में वायरस के सदेबाब के लिए दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। शहर के कम अज कम 4 बड़े स्टोर्स नोटिफाई करने की तजवीज पर भी गौर किया गया। वजारत हाउसिंग की वासा को माली बहरान से छुटकारा दिलाने की काविश। सूबाई वजीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद की जेर सदारत इजलास। वासा बिजनेस प्लान और मानसून की तैयारियों से मुतल्लिक गुफ्तगू। विफाक को लेस्को की जानेब से भिजवाए जाने वाले कमर्शियल टैरिफ को डोमेस्टिक में तब्दील करने की सिफारिश की गई। एंटी करप्शन अदालतों के जजेस की 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की इख्तितामी तकरीब में खसूसी शिरकत।
बोले करप्शन किसी भी मुआशरे या मुल्क की बुनियादें खोखली कर देती है। एंटी करप्शन जजेस कानून के मुताबिक फैसले अपनाकर भरपूर किरदार अदा करें। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल से चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी की मुलाकात। शजरकारी मुहिम में तआवुन पर लाहौर चैम्बर से इजहार तशक्कुर। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का रवां साल भी सबसे ज्यादा पौधे लगाने के अज़्म का इजहार। लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी जर्मनी के दरमियान एमओयू साइन। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और सोसाइटी के सरबराह आबिद असलम शेख ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत हैम्बर्ग में पाकिस्तान की कल्चरल सेंटर खोला जाएगा। FPCCI ओहदेदारान का FBR कस्टम्स और दीगर ट्रेड बॉडीज के हमरा इजलास। कारोबारी बरादरी को टैक्स के हवाले से दरपेश मसाइल जेरे गौर आए। सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा टैक्स सिस्टम में मौजूद बेजाब्तगियां खत्म करने के लिए इकदाम जरूरी है। और कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का तीसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। PCB ने मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसनैन, फखर जमान और शादाब खान को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। खिलाड़ियों को रवानगी से कबल बायो सिक्योर माहौल में ठहराया जाएगा।